स्वामी विवेकानंद ऐसे सोच वाले व्यक्ति थे जिन्होंने आध्यात्मिक धार्मिक मानव जीवन को अपनी रचनाओं के माध्यम से सीख दी। वे हमेशा ही कर्म में भरोसा रखते थे। स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए कोशिश करते रहो जब तक कि तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त ना हो। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ। उनका पूरा नाम नरेंद्रनाथ विश्वनाथ दत्त था। 1871 में नरेंद्रनाथ जी का ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन संस्थान में एडमिशन कराया गया। नरेंद्र जी भारतीय पारंपरिक संगीत में निपुण से हमेशा शारीरिक योग, खेल और सभी गतिविधियों में भाग लेते थे। उनके हिंदू धर्म ग्रंथों में भी बहुत रुचि थी, जैसे वेद, उपनिषद, भगवद्गीता, रामायण, महाभारत और पुराण भी पढ़ते थे। जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी के कुछ अनमोल विचार। मानव मन की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। जितना अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है उतना ही अधिक शक्ति को एक बिंदु पर सहन करने के लिए लाया जाता है। अपने जीवन में जोखिम लो। यदि आप जीतते हैं तो आप नेतृत्व कर सकते हैं, यदि आप हारते हैं तो मार्गदर्शन कर सकते हैं। किताबें संख्या में अनंत है और समय कम है। ज्ञान का रहस्य वह है जो आवश्यक है, इसे ले लो और इसे जीने की कोशिश करो। दुनिया महान व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चा होना। अपने आप पर विश्वास रखें। जो कुछ भी शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से कमजोर बनाता है उसे जहर के रूप में अस्वीकार करें। मुक्त होने की हिम्मत करो। जहां तक अपनी सोच जाती है जाने की हिम्मत करें और उसे जीवन में उतारने का साहस करें। उठो, जागो, तब तक नहीं रुके जब तक लक्ष्य पूरा ना हो जाए। ताकत जीवन है, कमजोरी मृत्यु है। विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है, घृणा मृत्यु है। दूसरों से वह सब सीखो जो अच्छा है, लेकिन इसे अंदर लाए और अपने तरीके से इसे अवशोषित करे। दूसरों की तरह मत बनो। मन की शक्तियां सूर्य की किरणों के समान है। जब वे केंद्रित होते हैं तो वे रोशनी करते हैं। आगे पीछे मत देखो। अनंत ऊर्जा, अनंत उत्साह, असीम साहस और अनंत धैर्य, तब अकेले ही महान कार्य को पूरा किया जा सकता है। पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता, ये तीनों सफलता के लिए परम आवश्यक है। हम क्या है यह हमारा आत्मविश्वास बताता है, और हम क्या कर सकते हैं यह हमारा आत्मबल और मेहनत कर दिखाता है। मार्ग में बाधाएं आने से मार्ग को बदल लेना उचित है, किंतु उसके लिए लक्ष्य को बदलना बिल्कुल ही अनुचित है। एकाग्रता से ही वास्तविक ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान और एकाग्रता आराम पाने का माध्यम नहीं, ज्ञान पाने का माध्यम है। व्यक्ति अपने इंद्रियों को वश में कर लेता है और निरंतर अभ्यास करता है, सफलता उसे जरूर मिलती है। मार्ग में बाधाएं आने का कारण है कि आप सही मार्ग पर हैं और आपका लक्ष्य निकट है। चिंतन, मनन और एकाग्रता असंतुलित मन को संतुलित करने की एक कला है। आशा की ज्योति जलाए, निराशा और अंधकार में डूबे ना रहे, निरंतर प्रयास करते रहे और हमेशा प्रसन्न रहे। एक समय में एक काम करो और इसे करते समय अपने पूरी आत्मा को इसमें शामिल करने के लिए सभी को छोड़ दें। किसी भी चीज से डरो मत, आप अद्भुत काम करेंगे। यह निडरता है जो एक पल में आत्मविश्वास लाती है। दिल और दिमाग के बीच संघर्ष में अपने दिल का पालन करें। दुनिया ने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है वह सभी ज्ञान मन से आता है। ब्रह्मांड का अनंत पुस्तकालय हमारे दिमाग में है। पूरा जीवन सपनों का उत्तरदायित्व है। मेरी महत्वाकांक्षा एक जागरूक आशावादी होने की है। यही सब कुछ है। प्रत्येक कार्य को इन चरणों से गुजरना पड़ता है, अवमान, विरोध और फिर स्वीकृति। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।